अभी एक सवाल आया कि गिफ्ट में फैमिली मेंबर ब्लड रिलेशन भी आएगा या इससे मेंबर जैसे भाई बहन पौत्र पौत्री पुत्र पुत्र वधु साले साली ये सब भी आएंगे गिफ्ट में आई जस्ट क्लियर इट कि एज फार एज गिफ्ट गोज दो है एक तो जहाँ पे आप 200 रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो और एक जहाँ पे आप 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं एज ए स्टैम्प ड्यूटी जहाँ 200 का है वहाँ पे स्पेसिफिक रिलेशन है जैसे हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन और विधवा बहू वाइफ ऑफ डिसीज्ड सन बस अगर इतने में ही ये ही रिलेटिव को अगर आपको गिफ्ट करना है तो वहां पे आप 200 रुपीज में यू कैन ट्रांसफर इट बट अगर इसके अलावा है जैसे बेटे को अपने पिताजी को ट्रांसफर करना है तो वहां पे 2% का फिगर आ जाएगा 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू एनी लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट इन केस में 2% है अब आपने बोला किसी इंस्टीट्यूशन को करना है या साले साली को करना है दे विल नॉट कम इन दिस लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट में तो वहां पर पूरा 5% लग जाएगा 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू भाई बहन हाँ ब्रदर सिस्टर आएंगे 2% वाली कैटेगरी में 200 रुपीज में आई रिपीट अगेन हस्बैंड वाइफ सन डॉटर हाँ मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रही हूँ बट ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन और विधवा बहू बस इतने ही स्पेसिफिक रिलेशन को कवर किया गया है इस स्पेसिफिक प्रोविजन में बाप बेटी को दे सकते हैं एक्चुअल करता क्या अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन को विदाउट कंसेंट ऑफ अदर लीगल हायर कैन बी गिफ्ट द प्रॉपर्टी एंड इफ यस देन व्हाट इज द ड्यूटी टैक्स व्हिच विल बी पेएबल और इट सेज कि 200 रुपीस का स्टैम्प पेपर इज सफिशिएंट फर्स्ट थिंग एक्चुअल करता कैन नॉट गिफ्ट द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर लीगल हायर Secondly, as I said, the 200 wala benefit mein only specific relations are covered. So I hope, Mr. Bari, you are clear with your question, yeah? Thank you.